हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आज हम करेंगे कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्लास प्लस वन से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक है कनेक्टेड मोशन, इसमें पुली का केस लेके चलते हैं और इसके अंदर क्या क्या हमारे पास है वो डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए पुली, इट इज ए फ्रिक्शनलेस पुली, ओके। और इस पुली के ऊपर से एक स्प्रिंग ऐसे पास आउट है, स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज पास ओवर द पुली, द टू एंड ऑफ द पुली स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद ए मास, वन मास इज सेम, सेकेंड इज कैपिटल एम, एंड कंडीशन इज कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो सबसे पहली जो बात हमारे पास क्या है वो फ्रिक्शन लेस पुली हम कंसिडर करें। फ्रिक्शन लेस पुली, सेकेंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ, इनएक्सटेंसिबल, नो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये दो चीजें हमारे पास इसके अंदर गिवन है। अब इस कनेक्टेड मोशन के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दो चीजें फाइंड आउट करेंगे कि एक हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर की टेंशन कितनी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे हम बॉडी के अंदर मतलब किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो देर विल बी अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द स्ट्रिंग, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी, टी टेंशन, टेंशन ऑलवेज अट्रैक्ट टूअर्ड द रिजिड साइड ऑफ द साइड में स्ट्रिंग बंधी होगी उसी। अब दोनों स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है तो दोनों ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास टेंशन क्रिएट होगी स्ट्रिंग के अंदर वो क्या होगी, सेम टी इज द टेंशन, ओके। ग्रेविटी की वजह से वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डब्ल्यू वन इजिकल टू एम जी जो इस डायरेक्शन में होगा, एंड यहाँ पे जो वेट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी। तो कंडीशन क्या थी इसके अंदर, कंडीशन के हमारे पास एम इज ग्रेटर देन कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए हम यूज करेंगे। तो मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। तो यहाँ पे दो हम अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके चलते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पे जाता है, सेकेंड सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड जाता है, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करते हैं, बॉडी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो मीन्स इसमें टी ग्रेटर होगा किससे, वेट ऑफ द बॉडी से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी माइनस एम ई इजिकल टू एम इंटू टी, ओके। इक्वेशन नंबर वन, जैसे टेंशन निकाल सकते हैं टी इजिकल टू क्या बनेगा हमारे पास, एम ई प्लस में एम जी, इसको इक्वेशन नंबर वन राइट करें। सेकेंड सिचुएशन के अंदर बॉडी डाउनवर्ड मूव करें तो मीन्स वेट ग्रेटर होगा किससे, टेंशन से, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ओके। यहाँ से भी टी निकालेंगे तो टी इजिकल टू एम जी माइनस में एम ए, इक्वेशन नंबर टू, ओके। दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विकेट क्या लीजिए, दो हमारे पास एम कॉमन निकालेंगे ऐसे तो या एम ए प्लस एम जी इजिकल टू इस पार्ट के अंदर एम ए माइनस में एम ए, तो एक्सेलरेशन एक साइड में एम ए पार्ट प्लस में एम ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ए कॉमन एम प्लस एम, यहाँ पे जी
common m minus n. Okay, acceleration a is equal to g m minus m or divide by m plus n. तो हमेशा इस पार्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास, जो एक्सेलरेशन होगा इस कंक्लूजन से, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम थर्ड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, ये पार्ट है। अब इसी पार्ट से हमें टेंशन को निकालना, तो हम टेंशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, टी टेंशन इक्वल टू, जैसे एम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एम एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुटअप की, एम माइनस एम, एम प्लस एम और प्लस में एम डी, ओके एम डी कॉमन निकाल लिया ऊपर वाले पार्ट में, एम डी कॉमन और अंदर की तरफ क्या हमारे पास, एम माइनस एम, एम प्लस एम प्लस वन, एम जी और एम प्लस एम कैल्शियम आएगा तो ऊपर वाले पार्ट में एम माइनस एम जी प्लस एम प्लस एम स्मॉल एम कैंसिल आउट, यहाँ पे बनेगा टू एम एम जी और एम प्लस, ये पार्ट बनेगा टी टेंशन, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी वो किसके इक्वल होगी, टी जी इक्वल टू टू एम जी डिवाइड बाई एम प्लस जी के इक्वल, ओके। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, टेंशन फाइंड आउट किया हमने, तो इसी के ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं इस प्रकार का न्यूमेरिकल उसके अंदर गिवन है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो टेंशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, टेंशन और वर्टिकल अपवर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट थे उसका वेट हमने लिखा, मास लिखा 6 किलोग्राम और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने लिख दिया 10 किलोग्राम, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, स्मॉल m इज इक्वल टू 6 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम माइनस एम और एम प्लस स्मॉल एम, तो जी की वैल्यू 10 10 माइनस 6 10 प्लस 6, ओके। तो 10 × 4 by 16, ये कैंसिल डाउट हुआ 4, ये 2, ये 5, 5 by 2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द होल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद ए सिंगल स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द टेंशन, T इज इक्वल टू 2 m m g m plus m, we put in the value 2 × 10 × 6 × 10 then divide by 10 plus 6, so ye bata hamare paas 12 100 by 16, okay 4 pe 300, 4 pe 4, 4 pe cancel out karenge to 75, so tension produced in the string is 75 newton, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी हमारे पास है, इसी से सेम क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट का मास जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करेंगे, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर अभी बता देते हैं आप लोगों को कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, वेट करें, नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर के अंदर भी 2-3 बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, हैवी ऑब्जेक्ट का मास इज 12 एंड लाइटर ऑब्जेक्ट का मास इज 8 किलोग्राम, एक का मास 12 और एक का मास कितना है 6 है। तो एक्सेलरेशन क्या लिखा हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम
एंड देन एम प्लस एन, और टेंशन का फॉर्मूला टू एम एम जी एम प्लस एन. तो दीज आर द टू पार्ट्स. देन एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट टेन, एक्सेलरेशन कितना 12, स्मॉल मास 8, 12 प्लस 8, ओके 12 इंटू 4 बाई 20, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन. दूसरा टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो P इज इक्वल टू 2 इंटू में m, m की वैल्यू कितनी है, m इज 12, स्मॉल m इज 8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एंड m प्लस m 12 प्लस 8 इज 20 ना. तो देन मल्टीप्लाई 24 इंटू 80 बाई में 20, दैट इज कैंसिल आउट 4, तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 96 न्यूटन. दिस इज द पार्ट, दिस इज द कनेक्टेड मोशन ऑफ ए पुली. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. यू डू फॉर दिस. थैंक यू.